सुनो सातोरू, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी सारी बातें अच्छे से समझा दो। तुम पास हो गए बच्चे, जुजुत्सु ट्रेक में तुम्हारा स्वागत है। चीज खा ली
यार यकीन नहीं होता, ये लड़का सच में कितना गंदा है। अरे बाबा मुझसे तो दूर रहो। ये क्या बोल रही है? सही तो बोल रही है। मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों में कितनी काबिलियत है। क्यों समझ लो कि ये तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है। नोबरा, यूजी, तुम दोनों जाकर इस बिल्डिंग में मौजूद शाप को खत्म कर दो। क्या? लेकिन शाप को तो शापिक शक्ति से ही खत्म कर सकते हैं ना? मुझे जुजुत्सु इस्तेमाल करने भी नहीं आता। तुम्हारे अंदर पहले से ही शापित शक्ति मौजूद है, उन शापित उंगलियों की शक्ति जिन्हें तुम खा गए थे। और वैसे भी उस एनर्जी को कंट्रोल करना तुम एक दिन में नहीं सीख सकते, तो ये ले जाओ। ये है शैतानी शमशीर और इसमें शापित शक्ति भरी हुई है, इससे शाप खत्म हो सकते हैं। बुद्धू कहेगा। और हाँ, एक और बात, सुकुना को बाहर मत आने देना। उसकी ताकत से तुम एक सेकंड में सभी शापों को खत्म तो कर दोगे, लेकिन फिर वो सभी शाप तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। समझ गया, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगा। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, आ तो रहा हूँ। मुझे उनके साथ क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, लेकिन किसी को तो यूजी पर भी नजर रखनी होगी। हाँ वो भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे नोबारा का इम्तिहान लेना है, देखना है उसमें कितना दम है। यार हद होती है, टोक्यो आकर सबसे पहले शापों से लड़ने का काम कौन करता है? हाँ? तुम यहाँ यही तो सीखने आई थी ना? हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। मैं ऊपर से शुरू करके हर फ्लोर पर चेक करती हूँ और तुम नीचे से शुरू करो। जल्दी से काम खत्म करके गिनसा में सुशी खाएंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी, हमें ये काम सीरियसली करना चाहिए। शार्प बहुत खतरनाक होते हैं। बीमारी है। मुझे मत सिखाओ, कुछ वक्त पहले तो मैं खुद कुछ नहीं पता था। चलो काम पर लगो। लेकिन तुम्हें बात बात पर लात चलाने की क्या जरूरत है? इसलिए लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें कैसे पता वो मुझे पसंद नहीं करती? खुद को कभी देखा है आईने में? नकचड़ी। मुझे बहुत भूख लगी है। ये एक शाप है। से पैदल है, लेकिन जब बात इन शापों को खत्म करने की हो, जो अजीब गरीब रूप ले लेते हैं, तो उसे ना तो घृणा आती है और ना ही वो डरता है। और वो भी तब जब उसके पास शापों से लड़ने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। वो ऐसा लड़का है जो आम हाई स्कूल स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा था। तुम तो जानते ही हो, कई बेहद काबिल जुजुत्सु जादूगर भी परेशान होकर ये काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने डर या घिन से जीत नहीं पाते। इसलिए आज मुझे देखना है कि उस लड़की में कितनी सनक है। ए, शाप कहीं के? तुमसे बोल रही हूँ पुतलों में खड़े शाप, तुम्हें लगता है तुम इस तरह मुझसे छिप सकते हो? ठीक है, मत आओ सामने, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म करती हूँ। लेकिन नोबारा के पास तो एक्सपीरियंस भी है, अब ये बात चेक करने का क्या मतलब है? शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहाँ ज्यादा आबादी होती है वहाँ शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं। शाप उसके छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। शाप इंसानों के दिमाग से पैदा होते हैं, इसलिए जहां ज्यादा आबादी होती है वहां शाप भी उतने ही ताकतवर होते हैं।
और टोक्यो के शाप नोबारा के छोटे शहर के शापों से एकदम अलग है। पहले इन कीलों को बाहर निकाल। खूबसूरत लड़कियों से थोड़ा डरते हैं। मुझे यूजी को बुलाना होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। इसने बच्चे को पकड़ लिया है। अब दर्जे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसमें कितनी शापित शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर चालाक है वो हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करता है। ऐसे फैसले जिनसे जान भी जा सकती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? ये शाप उतना ज्यादा ताकत पर भी नहीं है। दर्जे का लगता है इससे भी कम तीसरे दर्जे का है। देखा जाए तो बेहतर होगा कि कम से कम मैं तो बच्चा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब बच्चे को छोड़ दो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ कि अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा। अरे यार काश मैं मरने से पहले आखिरी बार साउरी से मिल पाती। अरे यार निशाना छूट गया। जब मैं पहली क्लास में थी तब प्यारी सावरी टोक्यो से हमारे गांव में रहने आई थी। वो बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। लेकिन मेरे गांव वाले
साउरी को हमेशा बहुत सताती थी। कहते थे उसे लगता है गांव वाले बेवकूफ हैं, बेकार में उस पर शक करते रहते थे, और फिर आखिर में उन्होंने उसे भगा दिया। उनकी हरकतें बेहद घिनौनी थी। मुझे घर पर बनी टेस्टी खाने की चीजें देती थी जिनका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, और वो हमेशा कहती थी शहर की चीजें ज्यादा टेस्टी होती है, और अगर मैं हमेशा उसी गांव में रहती। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है, ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या मैंने नहीं कहा था? और पहले ये बताओ कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। ज्यादातर लोगों के लिए? यार छोड़ो, तुम पहले ही मुझसे कई सवाल पूछ चुकी हो, अब तुम बताओ तुम जुजुत्सु में क्यों आई हो? जुजुत्सु क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे गांव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था। यही एक तरीका था जिसके सहारे मैं बिना पैसे खर्च किए शहर में रहने आ सकती थी। शहर में रहने के लिए जान दांव पर लगा दी? और नहीं तो क्या? कम से कम मैं अपने मन की तो सुन रही हूँ। अगर मैं उस गांव में ही रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। प्यारी सौरी, देखो मैं टोक्यो आ गई हूँ। अगर हम कभी यहाँ मिले तो मुझे वो बेकरी दिखाना जिसकी तुम बात करती थी। खैर, तो इसी वजह से मैं तुम्हारी बेहद एहसानमंद हूँ। अगर मैं मर जाती या इस बच्चे को नहीं बचा पाती तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती, तो थैंक यू। वैसे कोई किसी रीजन की वजह से किसी से बेहतर नहीं हो सकता। ओए, मैंने तुम्हें थैंक्स कह दिया ना, तो हमारा हिसाब बराबर। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहीं पर रहता हूँ, शुक्रिया। तुम्हें पता है भूख लगने पर मेरा मूड खराब होने लगता है? तुम्हारा मूड कब खराब नहीं होता है? चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने उस बच्चे को घर पहुंचा दिया, तो चलो अब चलकर कुछ खा भी लेते हैं। मुर्गा खाऊंगा और मैं सुशी। तुम क्यों बोलो वो खिलाऊंगा। तुम्हें क्या खाना है? छोड़ो इसे, चलते हैं। आज का सबसे जरूरी काम तो भूल ही गई। जरा सुनो, जाकर मेरा सामान ले आओ। मैं तुम्हारा सामान क्यों लाऊं? हमारा हिसाब तो बराबर हो गया था ना? हम मेरी शापित शक्ति की वजह से जीत पाए, तो एहसान मानो। मेरी खड़ी जैसी ताकत भी काम आई थी। वो ताकत जी तुम्हें गंदगी निकालने से मिली। पहले से ही ताकतवर था, है ना फुशीगुरु? अरे तुम्हें क्या हुआ फुशीगुरु? इन्हीं से पूछो, ये लड़ नहीं पाया ना इसलिए नाराज है। अरे बच्चे को बुरा लगा? चुन रही हूँ पेपर। गिंजा में जो होटल है वहाँ चलते हैं। गिंजा? मैं घूमती सुशी खाऊंगा। यूजी तुम एक नंबर के फर्शी गुरु, यार तुम ही इसे समझाओ। अगर खाना ही है तो मैं कोई महंगी चीज खाऊंगा क्योंकि पार्टी को जो सर दे रहा है। घूमती हुई सुशी एकदम अलग लगती है, जैसे हक्का नूडल्स और इंस्टेंट नूडल्स एकदम अलग लगते हैं। लेकिन मुझे सादी सुशी खानी है। क्या बात कर रही हो, घूमती हुई सुशी की बात ही कुछ अलग है, जैसे हम तीन पास में या टीडीएल में है। और दोबारा तुम तो देहाती इलाके से आई हो ना, तुम क्या जानो घूमती हुई सुशी का स्वाद। पर तुमने कभी स्प्लेंडर सुशी नहीं खाई है ना, तो वो ट्राई कर लो, अच्छा रहेगा। ये हुई ना बात सर जी। मैंने वहाँ जाने के लिए हाँ नहीं कहा। दोबारा ध्यान से सुनो, स्प्लेंडेड सुशी में सुशी को बुलेट ट्रेन से तुम्हारे पास भेजा जाता है। क्या कहा? ड्राइवर, इस लड़की ने पहले कभी घूमती सुशी नहीं खाई है, हम स्प्लेंडेड सुशी ले चलो जहाँ तो पार्टी लोग भी आलीशान है।